CAT, CAT. ओके गाइस, सो वी स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. गाइस बहुत अच्छा, बहुत प्यार वाला चैप्टर है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मीनिंग क्या है. जब चैप्टर की मीनिंग पता हो ना तो मज़ा आता पढ़ने में कि यार इसका लाइफ में यूज़ क्या है, अपन करने क्यों जा रहे हैं, इसे पढ़ेंगे क्यों. ओके तो बच्चों, आपने कभी सोचा कि जो एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, जो हमारा एरोप्लेन उड़ा करता है, तो वो कैसे उड़ता है. उसको मान लो इंडिया से चल करके कनाडा जाना है. इंडिया की पोजीशन समवॉट यहाँ पे है, साउथ एशिया में इंडिया आता है. ओके और कनाडा पे जाना है अपन को, यहाँ जाना है कनाडा, नॉर्थ पोल के पास में जाना है. तो आपने सोचा होगा कि इंडिया वाले अपनी लोकेशंस हवा में कैसे देते होंगे और कनाडा वाले पे कैसे पहुँचाते होंगे. तो बच्चों वो लोग क्या करते हैं ना कि अपनी जो पूरी अर्थ है ना, वो कुछ कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ओके तो एक तो कहलाता है बेटा ये, एक तरीके से ये एक हॉरिजॉन्टल स्फीयर्स होते हैं. इन स्फीयर्स को अपन लैटिट्यूड का नाम दिया गया है. और ये कुछ ऐसे ऐसे गोले गोले बनाए गए हैं पूरे, क्योंकि अर्थ तो पीछे भी है, तो मैं तो ऐसे बना रहा हूँ बट वो पूरा घूम करके आया हुआ है, तो लॉन्गिट्यूड्स हैं. तो ये एक्चुअली हम जो पोजीशन देते हैं ना, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देते हैं, और साथ में देते हैं इतना एंगल. तो मतलब कुल मिला के कहने की बात ये है कि किसी भी पोजीशन पर पॉइंट की, प्लेन की पोजीशन को बताने के लिए आपको उस जगह के कुछ डेटास देने पड़ते हैं. तो वहाँ से शुरू होता है, उन डेटा को, उन जानकारी को हम क्या बोलते हैं, उन जानकारी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ओके वो जानकारी कहलाती कोऑर्डिनेट. जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों बचपन में वो गिप्पेस वाला गेम खेलते रहे ना, पैर उठा करके एक टांग से चलने वाला गेम. तो उसमें लड़कियाँ 1 step 2 step 3 step ये ऐसे 4 step चलती रही हैं. ओके तो अपनी पोजीशन वो बता सकती थी कि हम कहाँ पे हैं. तो वो जो पोजीशन होती है ना बेटा, वो उस पोजीशन को ही बोला गया है मैथ्स में कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स. तो एरोप्लेन चलाने वाले पायलट से पूछा जाता आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उससे ये नहीं बोला जाएगा आपके पोजीशंस क्या है, पोजीशन नहीं, उससे बोला जाएगा टेक्निकल लैंग्वेज में कि आपके कोऑर्डिनेट क्या हैं. तो बताएगा सर मेरे कोऑर्डिनेट ये हैं, मैं इतनी हाइट पे हूँ, इस लैंगिट्यूड पे हूँ, इस लैटिट्यूड पे हूँ. ओके वो ये चीज़ें बताएगा. तो ये इस चैप्टर की बच्चों पहली नीड है इस चैप्टर की. मतलब आज के टाइम में बच्चों जितनी भी मतलब साइंस आगे चल रही है और जो भी इन्वेंशंस वगैरह हो रहे हैं उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आ रही है, और जी इवन जो नए गेम बन रहे हैं, सारे गेम वो कोऑर्डिनेट बेसिस पे ही हैं. जितनी आप गेमिंग करते हुए हो, कंप्यूटर लैपटॉप पे जो गेम खेलते हो ना, वो सारे कोऑर्डिनेट बेसिस पे हो रहे हैं. उनमें सब में कहीं ना कहीं इस चैप्टर के आइडिया का इस्तेमाल हुआ है. सो दैट इज़ वाई द चैप्टर इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और ज़्यादा अंदर चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से. सो बिफोर दिस क्लास टिल क्लास 9th वी हैव स्टडीड अबाउट द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री. ओके तो ज्योमेट्री में क्या हुआ करता था बच्चों, आपको याद होगा कि ज्योमेट्री में क्या हुआ करता था. जरा देखिए ज्योमेट्री वर्ड आया कहाँ से. ज्योमेट्री वर्ड आया जियो प्लस मीट्री, जियो प्लस मीट्री, जियो प्लस मीट्री, METRY. जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है जियोग्राफिक, जियोग्राफिक मतलब अर्थ, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट. तो एक्चुअली ये जो ज्योमेट्री की शुरुआत हुई थी ना, ये अर्थ के मेजरमेंट को लेके हुई थी. इंसान ने जो सबसे पहली इच्छा जताई वो ज्योमेट्री के लिए, वो अर्थ को मेज़र करने की इच्छा जताई कि हम मेज़र कर सके चीज़ों को, ठीक है ना, मेज़र कर सके हम. तो वहाँ से ज्योमेट्री वर्ड आई. फिर ज्योमेट्री के लिए क्या क्या टूल्स लगे, फिर आप लोगों को सिखाया गया, एक लाइन होती है, एक सर्कल होता है, एक पॉइंट होता है, एक एक आपके पास वो क्या बोलते हैं उसको, ये सर्कल टाइप का प्रोटेक्टर, दैट नो सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर. यस ना, यस प्रोटेक्टर होता है.
ओके, एक ये इस तरीके का वो होता है, दैट इज कंपास होता है, इसमें स्केल लगी रहती है ना, ये कंपास होता है। एक सेट स्क्वायर होता है, ठीक ना, दो सेट स्क्वायर का सेट हुआ करता है, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला। ये चीज़ें आई बच्चों, ये चीज़ क्या थी, ये थी प्लेन ज्योमेट्री, जिसमें सब कुछ आपको रियली बाई हैंड मेजरमेंट करना था। इंची टेप आया, घुमा करके रखते हैं इंची टेप, फिर मेज़र करने के लिए खोल करके मेज़र करते हैं, ये क्या थी, प्लेन ज्योमेट्री थी। बट प्लेन ज्योमेट्री में हम लोगों ने किसको क्या किसका तड़का मारा, ज्योमेट्री में अपन ने तड़का मारा एलजेब्रा का। जी हाँ, एलजेब्रा, ठीक है ना, सब लोग जानते हो, पिज्ज़ा खाते हो, पिज्ज़ा बनता मैदा से, ओके। मैदा आज से नहीं, लोग 500 200 300 साल पहले से खा रहे हैं, किसको पता था कि इतना शानदार खाने वाली चीज़ बन सकती है ना। बट पिछले 50 सालों में या 100 सालों में ही ये चीज़ खाने वाली आई है, शायद 50 सालों में, इंडिया में तो आए हुए 30 साल ही हुए, उसके पहले ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। हाँ, तो वट एवर जो भी है भाई, तो मतलब इसमें क्या हुआ, एलजेब्रा मिला दी गई। तो कोऑर्डिनेट के साथ एलजेब्रा मिलाने से एक मैथ्स की नई ब्रांच आती है, दैट इज़ कॉल्ड बच्चों, ज्योमेट्री के साथ, सॉरी, ज्योमेट्री के साथ एलजेब्रा मिलाने से एक नई ब्रांच आती है। ज्योमेट्री मतलब लाइन एंगल समथिंग समथिंग, एलजेब्रा मतलब वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है मेरी समझ में, कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। ओके, लिख लो, वी स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा, हेल्प ऑफ एलजेब्रा। चलिए, अभी तक क्या करते थे हम लोग, अभी तक हम लोग को बोला जाए कि एक लेंथ नाप करके बताओ, तो ठीक है सर, हमारे पास स्केल है, हमने स्केल का जीरो पॉइंटर यहाँ पे रखा और हमने दूसरा पॉइंट स्केल का यहाँ रख दिया और नीचे स्केल रख दी और हमने आपको नाप के लेंथ बता दी सर कि ये लेंथ है। अब नहीं करेंगे ऐसा बच्चों, अब नहीं करेंगे। अब क्या है, अब हम इस चीज़ को नापने के लिए हम इसके इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोजीशनिंग करेंगे, वो पोजीशनिंग कहलाएगी, इनके इनकी जानकारी लेंगे कि इनका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस कहलाएगा इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और ये एड्रेस कहलाएगा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, इसमें भी एक एक्स होता है एक वाई होता है। अब ये अब कैसे आता है, क्यों आता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ये अभी नहीं बताऊंगा मैं कि वो कैसे निकाला जाता है। बट आप याद रखो कि पूरी प्रोसेस में एक प्लेन होता है, उस प्लेन में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर कटते हैं वही आपका होता है ओरिजिन। मतलब आप मानते हैं कि हमारी दुनिया यहाँ से शुरुआत हुई है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो आप मानोगे कि हमारी दुनिया यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो डेट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो ये आपका जो है ओरिजिन कहलाता है, इस पोजीशन को ओरिजिन कहते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट की कोई ना कोई पोजीशन होती है, और उस पोजीशन को पता करके हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लेंगे, ना हमें किसी तरीके के इंची टेप की ज़रूरत है, ना हमें स्केल की ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज तक ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या था, ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम कहते थे सर जी ट्रायंगल बना दो, एक सर बेस बता दो और सामने वाले से परपेंडिकुलर डाल के हाइट बता दो। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है, ना बेस चाहिए, ना एल्टीट्यूड चाहिए, ना हाइट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस आप इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का पता बता दो। ओके, ये पता बता दो। सो ये कोऑर्डिनेट होगा एक्स वन वाई वन, ये कोऑर्डिनेट होगा एक्स टू वाई टू, और ये कोऑर्डिनेट होगा एक्स थ्री वाई थ्री। बस ये तीन चीज़ें मुझे पता कर चल जाएं, मैं आप मेरे से इस ट्रायंगल के बारे में जो पूछोगे ना, इसके पापा मम्मी दादा का सबका नाम पता बता दूंगा मैं, क्या हो ना, मतलब जो जो चीज़ें इसमें होंगी सब कुछ बता देंगे, क्योंकि आपको इसकी पोजीशंस पता है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है ये आपको पता है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ भी नहीं करना हाथों से, जो करना है फॉर्मूला करेगा, बस यही तो इसकी खूबसूरती है कि आप जो भी करेगा फॉर्मूला करेगा। तो इसी चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं, बिना इंची टेप
बिना एरिया निकाले, बिना कुछ करे, बिना ग्राउंड में उतरे, बिना ग्राउंड में उतरे, बिना जमीन में गए, आप बता दोगे कि एरिया कितना है? आजकल जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, समझ गए, सैटेलाइट इमेजेस से सब कुछ बता दिया जाता है। इवन जो ड्रोन हमले हुआ करते हैं, अमेरिका मिसाइल, इज़राइल मिसाइल वगैरह फेंकते हैं, और एग्जैक्टली अभी आपने देखा था ना, एक कंट्री है ना, कंट्री की जगह फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन बोलते हैं उसको, वहाँ पे एक जगह है हमास, HAMAS, वहाँ पर इज़राइल वहाँ से बैठ करके कितने किलोमीटर करीब, मतलब 1,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बैठा हुआ है, और वहाँ से बैठ करके उसने डायरेक्टली अटैक कराया हमास के टीवी टावर पे, उसकी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे उन्होंने अटैक कराया। बच्चों ये कैसे होता है? ये इसी ज्योमेट्री के थ्रू होता है। जितने भी आजकल बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होते हैं, वो सारे में कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगता है। तो इसको मिसाइल को कोड करके भेजना पड़ता है कि तुम इस पोजीशन पे जा करके गिरोगी, तो यहाँ पर इस बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट दे देते हैं कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये उसकी तीन जानकारियाँ हैं। इन तीन जानकारियों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इन तीन जानकारियों को नेमली XYZ से बोला जाता है, बट हमारे सिलेबस में कौन सी ज्योमेट्री है? हमारे सिलेबस में है 2D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्री। आप फिल्में देखने जाते हो ना, तो कैसी फिल्में लगती हैं ज़्यादातर? 2D फिल्में, क्योंकि एक पर्दा होता है थिएटर में, एक होता है एक्स एक्सिस मतलब लंबाई वाला पर्दा, और एक होता है वाई एक्सिस मतलब ऊंचाई वाला पर्दा, तो दो ही चीज़ें दिखती हैं। तो पूरी की पूरी पिक्चर आपको 2D में दिखती है, तो किसी भी पॉइंट पे पहुंचोगे तो दो ही चीज़ होंगी। शाहरुख खान की नाक की बात करोगे तो शाहरुख खान की नाक की कुछ ना कुछ एक्स होगा और कुछ ना कुछ वाई होगा। तो शाहरुख खान की नाक की पोजीशन क्या होगी? X, Y, ये आपको दिखाई देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड 2D ज्योमेट्री, जिसमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। बट आपने 3D फिल्में देखी हो शायद, उसमें चश्मा पहन करके आप लोग देखते हैं, जो चश्मे पहन करके जब 3D फिल्में देखते हैं तो वो थोड़े से चित्र बाहर की ओर आते हुए आपको दिखाई देते हैं, है ना? तो उसमें आप X, Y, Z तीनों की बात करते हैं। तो बच्चों ये 3D है। सो वेल, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का पहला फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है बच्चों। पहला फॉर्मूला लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पहला फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नापनी है सर को आपके। एक पॉइंट है पहला X1 Y1, हाँ X1 Y1 मतलब 3, 4 ले लो, जानकारी आपको दी जाएगी, डोंट वरी। बी पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है उसकी मान लो पोजीशन है कितनी, 8, 7 ये है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा, इंची टेप खरीदूंगा, साथ में किसी को घर से लेके जाऊंगा, बोलेंगे बेटा खूंटा गाड़, खीला लगा, पकड़ और मैं भी पकड़ूं, और दोनों नाप करके आएंगे, है ना? ऐसा अब नहीं करना बच्चों। फॉर्मूला डायरेक्टली, ए बी मतलब सेगमेंट, क्लास 9th में पढ़ा, ए बी का मतलब सेगमेंट, और ये बॉक्स लगा दो मतलब इस सेगमेंट की डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट मतलब ए बी का बॉक्स, इसको मॉड बोलते हैं बच्चों, इक्वल टू, बेटा फार्मूला याद कर लो, ये पॉइंट है X2 Y2, जनरल X2 Y2। तो फार्मूला याद करेंगे सभी लोग, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। नोट कीजिए पहला फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू X2 - X1 स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 स्क्वायर, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। बैठो। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू X2 - X1 का स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी सिंपल गाइस। सो ए बी का मॉड इक्वल टू X2 - X1 का स्क्वायर 8 - 3, X2 क्या है 8, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। सर मैंने उल्टा कर दिया, X2 X1 इसको मान लिया, X1 Y1 इसको मान लिया। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 - 3 करोगे तो भी 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा, और 3 - 8 करोगे तो -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा।
तो चाहे आप एक्स वन में से एक्स टू माइनस कर दो या एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा सेम आएगी। 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर 9। बच्चों आंसर लिखिए √34। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा मीटर सेंटीमीटर, तो आप यूनिट लिख कर छोड़े आओ। सो √34 यूनिट इज़ द आंसर, √34 यूनिट पूरा करो। चलो सो आंसर इज √34 यूनिट। क्लियर? यस सर। चलिए यस सर, ठीक है। अब देखिए, हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई डाउट? नो सर। ओके, कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट है, आप कहीं पर भी पॉइंट पे हो, जैसे ओरिजिन पे हो 0,0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल हैं 0,0। फिर मान लो किसी पॉइंट पे आप पी पॉइंट है 3,4, बेटा कोऑर्डिनेट की पहली पोजीशन 2D में कहलाती है एब्सेसा, दूसरी पोजीशन कहलाती है ऑर्डिनेट। एब्सेसा मतलब आपने एक्स एक्सेस में कितना ट्रेवल किया, तो आपने एक्स एक्सेस में 3 कदम चले हो, दैट्स वाई यहाँ x3 है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सेस में कितने कदम चले हो, तो वाई एक्सेस में 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, तो आपने 4 पे चले हैं। चलिए इसी बात पे डिस्टेंस निकाल ली जाए। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका ओरिजिन से, ओरिजिन के पॉइंट 0,0 हैं, तो डायरेक्टली बच्चों फार्मूला याद कर लो, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब प्लस y स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 0 करोगे 3 ही आएगा, 4 माइनस 0 करोगे 4 ही आएगा। सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16। सो आंसर 9 प्लस 16 हुआ 25, और 25 का रूट क्या होगा 5, सो आंसर हुआ 5 यूनिट। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डन? यस सर। ओके यस सर। अब आइए बात करते हैं बच्चों अगला। नो सर। हाँ बेटा लिखो, ये फाइल मिल जाएगी, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, अभी दे दूंगा। अब देखिए अगला लिखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन है पहला, आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स को देख करके बता सकते हो कौन सा ट्रायंगल। एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, ए कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2, और सी कोऑर्डिनेट दिया गया है x3 y3। सो अगर ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और सी ए की लेंथ तीनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब कैसा ट्रायंगल होगा, ये इक्विलेटरल एग्जैक्टली, तीनों साइड इक्वल होने पे कैसा ट्रायंगल होता है बच्चों, इक्विलेटरल। अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, तो कैसा होगा बच्चों, आइसोसेलस। अगर तीनों साइड अलग अलग, तो कैसा ट्रायंगल होगा, स्केलेन ट्रायंगल। यस और नो, बोलो। आइसोसेलस दो साइड इक्वल होने पे, और तीनों साइड अगर अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, तो कैसा होगा, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, कि दो साइड का स्क्वायर तीसरे के इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर तीसरे के इक्वल होगा। मतलब आप बच्चों कोई भी ज्योमेट्री आपके पास दी है ना, आप पता कर सकते हो क्या है स्क्वायर। अगर कोई ज्योमेट्री होगी तो क्या शर्त होगी, चारों साइड इक्वल होंगी और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ये स्क्वायर के लिए क्राइटेरिया होगा। बोलो बच्चों यस कि नो? यस सर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर, तो फिर रोहम्बस का क्या होगा सर जी, रोहम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो इसमें चारों साइड इक्वल होंगी मगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू, बट इसमें डायगोनल भी इक्वल होंगे, डी वन इक्वल टू डी टू। सर वो इस पैरेललोग्राम क्या होता है सर, पैरेललोग्राम में बच्चों आमने सामने की साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, मगर रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड भी इक्वल होती हैं और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। बोलो समझ में आया? यस। क्लियर? यस सर। चलिए तो इसी बात पे अब हो गया ये एक्सरसाइज, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ आपकी एक्सरसाइज का। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस। चलिए सभी लोग ओपन कर लें बच्चों बुक, कर लें ओपन बुक मज़ेदार तरीके से, और इसमें 6th क्वेश्चन छोड़ करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, 6th क्वेश्चन को छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जल्दी से करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर वन के पांच पार्ट हैं, जल्दी से करें। सिक्स क्वेश्चन बस छोड़ देंगे मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री में, फिर इसके बाद क्वेश्चन टू करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। सिक्स क्वेश्चन में बच्चों आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा एंड ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। बच्चों ये अल्फा क्या होता है, साइन और अल्फा है ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा, ये एंगल हुआ करते। तो एक काम करो, अल्फा बार बार लिखने में बड़ी दिक्कत कर रहा है, इसको थीटा ले लो। तो पॉइंट पी क्या बना लो बच्चों आप लोग, ये पॉइंट पी बना लो, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा एंड ए कॉस थीटा एंड माइनस ए साइन थीटा। तो ये आपके पास में जो है, ये आपके पास में ये एंगल्स आपके आ गए, ठीक है, ये आपके पास में एंगल्स आ गए हैं। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। अब थोड़ा बड़ा जाएगा तो चिंता की बात नहीं है, ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये, ये बनेगा ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक्स वन माइनस एक्स टू लगा दिया, बताया ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस माइनस दिस कर दिया, और अब क्या करूँगा, दिस माइनस दिस, तो प्लस ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? यस सर। आर्यन क्यों भाई, क्लियर है? यस सर। चलो अनूप, निशांत, नितेश। यस सर। यस सर। चलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए होल स्क्वायर ओपन करो, कैसे ओपन होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब बच्चों होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टू ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए इन टू ए आ जाएगा ए स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा, बस लेंदी और कुछ भी नहीं है। प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करो बच्चों, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ये देखो, ये प्लस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये वाला पार्ट मेरे पास बस कैंसिल होने के बाद इतना बचा है। अब इसको, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो क्या है, एक आइडेंटिटी होगी ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों, उस आइडेंटिटी का मैं नाम देता हूँ सबका मालिक एक। तो वो आइडेंटिटी आपको इतनी बार बताएंगे कि वो आपको भूलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा बार यूज़ होगी। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है वो याद करो बच्चों, आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम हमेशा वन होता है। अब इस आइडेंटिटी का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो ये ए स्क्वायर यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये देखो यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कितना बन गया वन, ये कितना बन गया वन, तो वन इंटू ए स्क्वायर क्या बच गया, ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर रूट टू ए स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर तो जो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा ए रूट टू। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, ए रूट टू। ओ कौन सी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है भाई, देखो अंडर रूट टू ए लिख लो या तो रूट टू ए लिख लो, बट ज़्यादा सही क्या है, ए ऐसा लग रहा रूट के अंदर आ गया बट बाहर निकला हुआ है, तो मैं तो कहूँगा भाई ए रूट टू लिखो, तो ज़्यादा बेटर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो बस एक आइडेंटिटी लगी हुई है, एक आइडेंटिटी लगी हुई है बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो जल्दी से मतलब इसको नोट मत करो, मैं इसको अभी सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, तब आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अब इसमें एक ही पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट तो दिया ही नहीं गया है सर, कैसे निकालें हम, बट हिंट दी है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है,
तो ओरिजिन तो हमेशा बच्चों जानते हो क्या होता है, 0.0। तो ओरिजिन के क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 0.0। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड करो सभी लोग, जिन्होंने फर्स्ट ना किया हो वो फर्स्ट कर लें, जिनकी तमन्ना हो कि क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ भी करना है अभी अभी कर लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो कंटिन्यू।